Welcome guys, today we have three of AccioJob's alumni. We have Umakant from batch 2, Anmol from batch 24, and I'm Humaidi Ahmed Khan from batch 24A. So bas aaj hum yahan par hai apne accumulative accio ki journey, apne accio ke experience in general, bas you know, alumni to alumni share karne ke liye. Bhai main to sach bata raha hu, is मंथ ही मेरी प्लेसमेंट हुई है. अब जब ऐसे लोज में हो गया है, बढ़िया एकदम, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई 9 महीने पूरे वसूल हो गए मेरे. ओके सर, जब मैं सेकेंड ईयर में आया ना तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में था कि मेरी कहीं जॉब लगेगी नहीं लगेगी. एंड लाइक अभी तो मेरे को मतलब कि अभी भी मैं शौक में हो गई मेरी जॉब लग चुकी है. एंड मैं हर महीने ये पूछता था अपनी बैच में जैसे कब कंपनीज आएगी, कब मैं रेडी होगा. इवन मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा यार, मैं बैच 2 से हूँ और मेरे बैच मैनेजर यशवर्धन खुद थे, तो ही यूज़ टू फॉलो अप एवरी वीक. आई स्टिल रिमेंबर कि हर हफ्ते उनका मंडे ट्यूसडे में कॉल आता था ये जानने के लिए यार क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा, मेंटर से क्या एक्सपीरियंस है, इंस्ट्रक्टर सही पढ़ा रहे हैं, कोई फीडबैक है तो बताओ. और इवन अगर हम चाहते रहे कोई सेशन कराना है दोबारा नहीं समझ में आया तो सेशन भी होता रहा, हम दो बैठे हैं बट सेशन हो रहा है हमारा, तो बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस होता था. और हमारा एक मेंटर था मृदुल भटनागर करके, जो हमारे डाउट सेशन सॉल्व करता था. वो वैसे तो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का ही करता था और बहुत ही ऊपर से जाता था, बट ये था कि उनकी वजह से हम स्ट्रेच कर पाए यार, मतलब अदरवाइज मैं बेसिक में ही घूमता रह जाता. तो उनकी वजह से मैं भी थोड़ा लगने यार मेरे को कुछ नहीं आता, ऐसा करते 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 इवेंचुअली बहुत कुछ आने लगा. तो ऐसा सारा जब ऐसे मेंटर स्वयं यश सर थे तब उनसे ऐसे मतलब ठीक है, एक्चुअली में हमारे मेंटर्स काफ़ी फ्रेंडली रहे और यूजुअली हम लोग को ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग खुल के बात कर सकते हैं. यस सर, अरे यस सर अभी भी बहुत फ्रैंक हैं, अभी भी ही डजंट केयर अबाउट कोई पोजीशन है या ही सीईओ, ऐसा कुछ नहीं है. वो अभी भी वो एक्सेसिबल बहुत ही हैं, बहुत आसानी से एक्सेसिबल हैं. इवन वो हमारे डेस्क पे भी आ जाते हैं क्योंकि मैं तो काम ही कर रहा हूँ एक जॉब में, तो मुझे नहीं बुलाते हैं कि उमाकांत कम टू माई केबिन, वो हमारे डेस्क पे आते हैं. तो ये बिहेवियर उनका वो स्टार्टिंग से ही है, तो हमेशा फॉलोअप करते थे और चीज़ें जानते थे और बहुत ही एक्सेसिबल है राइट नाउ, इवन ही स्टिल एक्सेसिबल, तो वो फ्रेंडली बिहेवियर हमेशा रहा उनका. देखो ऐसे ऑनेस्टली मैंने तो अपने बैच मैनेजर को पूरा परेशान करके रखा हुआ था, ऐसा झूठ बोलने का कोई बात नहीं है. अब इंसान नर्वस हो रहा है तो बैच मैनेजर को ही पकड़ेगा ना भाई. अब ऐसे टेंशन हो रहा है जॉब लगेगा नहीं लगेगा, हर 2 दिन में सर क्या अपडेट है, कोई कंपनीज आ रही क्या आ रही, कैसा हो रहा, कैसा कोर्स चलेगा. तो मेरा बैच मैनेजर तो मेरे से फुल एकदम पूरा परेशान था, बट ठीक है अभी ऐसा होता है ना, ऐसा उसको भी आ रहा होगा फादरली प्राउड फीलिंग कि मेरा स्टूडेंट इतना अमेजिंग पैकेज निकाला है. तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था? जो मेरा फर्स्ट मंथ था मेरे से मतलब कि गौरव चौधरी थे एंड उनका क्या मतलब कि पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है, मतलब कि आधे घंटे तो वो मतलब कि हमें चिल मारते थे हमारे साथ, मतलब कि एकदम कोई स्ट्रेस नहीं कि हमें ऐसा लगता नहीं था कि हम बीएससी कर रहे हैं, हम तो ऐसे मतलब कि मजाक मजाक में पढ़ रहे हैं एज अ फ्रेंड्स. सही है यार, वही है, मतलब मैंने भी बहुत परेशान किया है यश को ही. अगर थोड़ी देर में मतलब तब ऐसा होता था प्लेटफॉर्म नहीं था हमारे पास, तो वो डिस्कॉर्ड पे ही क्लासेस के लिंक शेयर करते थे, और क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग ही देखता था, मेरे पास ऑफिस रहता था तो टाइम उस वक्त नहीं मिलता था. अगर 1 मिनट भी देर हो जाता तो हम सब स्टूडेंट परेशान करना शुरू की वेयर इज़ द रिकॉर्डिंग, वेयर इज़ द रिकॉर्डिंग. तो वो इवन ही स्टिल रिमेंबर्स कि हम ऐसे परेशान करते थे, बट वो हमेशा तैयार रहते थे चीज़ों के लिए. तो परेशान तो मैंने भी बहुत सारा किया है. तो अगेन शाउट आउट आदित्य बजाज सर, आई होप यू आर प्राउड ऑफ मी कि आपका स्टूडेंट इतना अमेजिंग परफॉर्म कर चुका है. लेकिन सिर्फ आदित्य सर नहीं, जैसे तुमने कहा कि हमारा हमको हम वी आर स्टूडेंट्स ऑफ आईक्यू, सो वी अंडरस्टैंड कि हमारे कम्युनिटी बन चुका था. तो शाउट आउट टू समीर, शाउट आउट टू अक्षता, शाउट आउट टू फैज अंसारी, शाउट आउट टू एवरीवन एल्स, क्योंकि ऐसे मेरे को आता नहीं था. आई एंटर्ड आईक्यू नोइंग वेरी लेस, ठीक है, तो यही लोग हेल्प करते थे कि सेशन में मेंटोर नहीं है. अब क्योंकि इनिशियली अब आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो बाउंड्री हट गया कि अब ऐसा लगता था कि आप डायरेक्ट मेंटर से बात कर सकते हैं, पर घुसते साथ तो वो नहीं रहता ना, घुसते साथ ऐसा लगता है कि नहीं यार थोड़ा कंफर्ट कोई दोस्त से ही पूछ लेते हैं. तो इस समय ये हम मेरे 3-4 अमेजिंग दोस्त, थैंक यू सो मच. तो मुझे तो ऐसे ऑलमोस्ट 9 मंथ्स लग गए थे, तो इनिशियली मेरे मॉक स्कोर्स उतने अच्छे नहीं थे क्योंकि
ऐसे लग रहा था ना मेरे को कि ठीक है ऑनलाइन क्लास है, दो तीन घंटा दे देंगे, टेस्ट दे देंगे, हो जाएगा। लेकिन जब पहला टेस्ट दिया तो रियलाइज किया कि टेस्ट का कैलिबर बहुत ज़्यादा है, तो दो तीन घंटे से होने नहीं वाला है। एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि नहीं यार, साथ में देखो इट इज़ गुड अगर आप मल्टी टास्क कर सकते हो, बट इट इज़ वे बेटर कि आप एक चीज़ में फोकस करो, उसको एस कर लो और फिर दूसरी चीज़ कर लो। सो इन 9 महीनों में मेरे दोस्तों को लग रहा था कि मैं शहर में ही नहीं हूँ। मैंने अपने दोस्त से मिला तो उससे, मैं जब अपने दोस्त से मिला तो उससे सबसे बड़ा सवाल ये था कि भाई तू जमशेदपुर कब आया, क्योंकि वो मैं दिख नहीं रहा था किसी को। आई वॉज वेरी गोल ओरिएंटेड, ऐसे मेरे को देख के लग नहीं रहा होगा अभी, बट एट दैट मोमेंट आई वॉज वेरी गोल ओरिएंटेड। आई वॉज लाइक नहीं यार ये तो करना है, और दिमाग में ऐसा कोई टाइम लाइन लेके नहीं चल रहा था कि 4 महीने में करना है, 5 महीने में करना है, 6 महीने में करना है, बस करना है, सीखते जाओ, करते जाओ, स्किल्स लेते जाओ, इट विल हैपन, वो तो मेरे को पता था, इसलिए मैं टाइम का प्रेशर नहीं ले रहा था। डिस्ट्रैक्शन इस पूरे फेज में देखो, अब अक्सर कॉलेज खत्म हो चुका है, दोस्त लोग टाउन में, आई एम फ्रॉम जमशेदपुर, दोस्त लोग टाउन में, शाम में कॉल करेंगे चलो निकलो 8 बजे से क्लासेस। तो पहले मुझे लगता था कि ठीक है 6 बजे से जाएंगे, 8 बजे घर वापस आ जाएंगे, क्लास कर लेंगे, हो जाएगा। पर वो यू आर नॉट मेंटली प्रेजेंट देयर, राइट? आप क्लास कर रहे हो पर आपके दिमाग में चल रहा है। सो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि नहीं यार, आई कम्प्लीटली नीड टू आइसोलेट माई सेल्फ बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू अचीव। तो मैंने थोड़ा सा दोस्त लोग से बात की, यार देखिए उतना पार्टी से मत बुलाना, ठीक है यार कर लेंगे, जॉब लग जाएगी मैं पार्टी दे दूंगा, उसमें क्या है, जैसा भी देना बचा है, जॉब लग गया है, पार्टी देना बचा है, दे दूंगा। तो वही, तो डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी कंट्रोल करना पड़ा, काफ़ी ऐसा सोशल मीडिया टाइम थोड़ा कंट्रोल करना पड़ा, क्योंकि हम लोग का जनरेशन भी है, करते रहो करते रहो। एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी टू लैंड अप अ जॉब, वो भी लोएस्ट में, तो ऑफ कोर्स वी कैन सी कि यार इसने कितना ज़्यादा मेहनत किया है और डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखा है। तो यार ये भी है, डिस्ट्रैक्शन एक चीज़ है, उसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा, कुछ समय के लिए अपने ऑनेस्ट एफर्ट दे दो, क्योंकि 6-8 महीने की एफर्ट्स इट कैन चेंज योर लाइफ। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मे बी 10 to 20 years डाउन द लाइन इट विल चेंज योर लाइफ, राइट? तो 6 महीने का एफर्ट देना वर्थ है। दूसरा, अगर जॉब जैसे आपको मिलता है ना, तो जैसे आई ऑलवेज बिलीव कि यार ग्रैब द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, कि एक बार जो तुम्हें मिल गया जॉब पहला उसको ग्रैब करो, उस पर कुछ सीखो। सैलरी कितनी इतना मैटर नहीं करता स्टार्टिंग में, खासकर इफ़ यू आर अ फ्रेशर, राइट? तो वहाँ तो मैटर करेगा नहीं भाई, तुम्हें पैसा थोड़ा सोचना है, तुम्हें स्किल देखो ना, स्किल बढ़ाओगे पैसा इवेंचुअली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वो चीज़ है कि पहली जॉब मिली उस पर काम करो, इंटर्नशिप पे काम करो, कुछ रिज्यूमे में ऐड करो, जब तुम्हें लगता है यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, 1 साल का काम हो गया, आराम से स्विच कर लो यार, यू कैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑप्शंस, राइट? एक जॉब में ही है तो बिकॉज दिस इज व्हाट आई रियलाइज, राइट, दैट I was a fresher, तो कॉलेज के बाद से कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनसाइड द इंडस्ट्री। तो अब उस टाइम पे आई डोंट थिंक वी शुड बी वेरी पिकी, बिकॉज इफ वी आर वेरी पिकी एंड वी मिस ऑन एन अपॉर्चुनिटी, दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलेगा दैट इज वो पक्का नहीं है ना। तो इट इज वेरी नेसेसरी टू ग्रैब ऑन टू एवरी अपॉर्चुनिटी यू गेट, बिकॉज हम लोग फ्रेशर्स है यार, अपने पास कोई रेलिवेंट स्किल्स है नहीं, कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है। And once you crack the industry, once you are inside it, फिर तो हम लोग काम करके we can navigate through it, we can switch and everything. It is very difficult to crack that door open. तो यार opportunity grab करना, क्योंकि मेरी भी ये पहली कंपनी थी, मैंने तो चुपचाप ले ली यार, नहीं नखड़ा नहीं करना है, बाद में 9 महीना भी हो गया और कितना कर सकते हैं चुपचाप, नहीं तो बाद बहुत शोर मचाऊंगा अंदर से छोटी मोटी कंपनी तो नहीं। सही यार, congratulations, very very happy वो हियर दैट, क्योंकि अब तो मैं एम्प्लॉय भी हूँ तो मुझे भी अच्छा लग रहा है यार। तुम बताओ कुछ। जब मेरा फर्स्ट मंथ का मतलब कि मॉक हुआ ना, मुझे पता चल गया था मैं कितने पानी में रहने वाला हूँ। मतलब कि 8+ आ गया था, पर मुझे अंदर से लग नहीं रहा था कि ऐसा कैसे आ गया मेरा। मैंने कहा यार अब रिसेशन भी चल रहा है, ऊपर से मतलब कि लास्ट ईयर है मेरा, जॉब तो लेनी है किसी भी हालत में। तो मैंने क्या करा कि भाई इतना मतलब कि मैंने ना ले टाइम टेबल कि 4 hours तो कम से कम डिवोट करूँगा ही करूँगा, कुछ भी हो जाए। मैंने कहा मतलब कि मेरे फ्रेंड आते थे यार, आ जाए स्कूटी पे चलते, आ जाए घूमने चलते। मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे 4 hours कम से कम देने ही देने, 4 to 5 hours। मतलब कि मैं कॉलेज जाता था, अब मैंने उसको क्या करा कि डिस्ट्रैक्शंस को मैंने कहा जाओ अब अपना पूरा मतलब कि फोकस करा स्टडी पे, दैट्स ऑल आई गेट। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरे लिए भी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट यही था कि दोस्त लोगों कैसे मना करे, क्योंकि उस मोमेंट में वो लोग इंटेंशन पूरे नहीं है, दे जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू, हैंग आउट, चिल। तो वो लोग ऐसे बोलते हैं अरे चलना कोई बात नहीं, बाद में कवर कर लेना, रिकॉर्डेड क्लासेस तो है बाद में देख लेना। तो इट गेट्स रियली डिफिकल्ट बिकॉज
पता है ना, वो लोग इंटेंशन बुरे नहीं, वो लोग बस चिल करना है। तो ऐसे मेरा एक बहुत फेमस कोट हो चुका है अभी दिस पॉइंट में, मैं बोलना चाहूँगा दैट द जर्नी इज एन अपहिल बैटल राइट, बट द व्यू एट द टॉप इज गोइंग टू मेक इट वर्थ। सही है, इसका मतलब तुम्हारी तो बहुत डिफिकल्ट रहेगी कि मेरे तो दोस्त थे ही नहीं उस वक्त इतने ज़्यादा, आसपास तो बिल्कुल नहीं थे, कोई बैंगलोर में था, कोई मुंबई, कोई उड़ीसा, कोई बाहर ही चला गया था। तो मेरे लिए फिर इसका मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं था, मैं चुपचाप अपना जॉब करता था और रिकॉर्डेड लेक्चर देखता और फिर वैसे आई हैव डन। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस व्हेनेवर अ स्टूडेंट जॉइंस एन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, तो एक परसेप्शन रहता है ना कि इंस्टीट्यूट है। सो this is why I feel every student should join AccioJob, because the personalized experience I got from here, right? Because this is what I always say ki mujhe aisa lagta tha ki ye sare mentors sare pura institute bana hi mere liye, because utne percentage mein mere pe focus pad raha tha, mera problems priority thi unki, ki mere ko portal mein koi dikkat ho raha hai wo solve karke denge, mere ko code solve nahi ho raha hai mera mentor mere ko solve kar dega, मेरे रेज्यूमे में कोई दिक्कत है वो मेरे को बताएंगे क्या दिक्कत है, टेम्पलेट अच्छा नहीं तो वो मुझे टेम्पलेट देंगे। तो ये पर्सनलाइज एक्सपीरियंस जो मुझे मिल रहा था, इट रियली मेड इट वेरी इजी फॉर मी टू जस्ट फोकस ऑन माय स्टडिंग, कि एक बार में भरोसा हो गया कि बाकी सब ये संभाल लेंगे, यार तुम पढ़ाई कर लो, तुम स्किल सीख लो, बाकी सब ये देख रहे हैं। अगर आपको मतलब कि DSA में काफ़ी अपना एनहेंस करना स्किल एंड यू वॉन्ट द जॉब, सो मतलब कि AccioJob मतलब कि एक वन स्टोर शॉप होती है ना, कि इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, आपको प्लेसमेंट मिलेगा, आपको उसको स्किल मिलेगा, आपको फ्रंट एंड पढ़ाया जाएगा, आपको बैक एंड पढ़ाया जाएगा और आपकी जितनी भी जो डाउट्स है वो आपके सॉल्व कराए जाएंगे। तो आपको हर तरीके से एक फुल राउंड शॉप है, मतलब कि आपको हर चीज़ मिलेगी, बस आपको क्या है आपको फोकस करके पढ़ना पड़ेगा बस। यार मेरा तो स्टूडेंट का एक्सपीरियंस ऐसा है कि द ओनली थिंग केप मी मोटिवेटेड और उस पूरे फेस में, क्योंकि जॉब करना और उस वक्त बहुत ही परेशान रहना है कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो था एक्सटेंसिव सपोर्ट। उस वक्त बहुत बड़ी टीम AccioJob की भी नहीं थी, वो चार को फाउंडर्स ही थे, लेकिन देवर इनफ टू हेल्प अराउंड 60 स्टूडेंट्स ऑफ माई बैच, वो सब प्लेस हो गए, ऑलमोस्ट सारे प्लेस हुए। तो एक रीज़न, सबसे बड़ा एक रीज़न था उनका स्टूडेंट फर्स्ट एटीट्यूड, जैसे तुम्हारी बात में समझ में आता राइट, कि सारी कुछ चीज़ें ऐसी बनाई गई कि हमें फोकस करना हर एक स्टूडेंट पे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी। इवन आई फेल द सेम, ये स्टूडेंट फर्स्ट एटीट्यूड और जो एक्सटेंसिव सपोर्ट मिला है उसकी वजह से ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, और अदरवाइज बहुत सारी हैं मार्केट में सब कुछ राइट, बट वाई AccioJob दैट्स द रीज़न। तो यार तुम लोग तो प्लेस हो गए दोनों, लोएस्ट में और आकाश में, मस्ट जॉब तुम्हें दोनों को मिल चुकी, तो अभी उन बच्चों के लिए क्या सजेशन देना चाहोगे, कोई एक ऐसी मोटिवेटिंग लाइन जिससे कि उनको भरोसा रहे और दे आल्सो एबल टू मेक इट। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बिकॉज अगेन जैसे मैंने कहा इस महीना मेरा प्लेसमेंट हुआ है, तो नाउ एवरीथिंग इज फ्लावर्स एंड रेनबोज, मतलब एक महीने पहले तक आई वॉज राइट देयर कंप्लेनिंग कि जॉब कब लगेगा, सेम जॉब कब लगेगा, कोर्स में अब क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बिकॉज ये जस्ट होता है ना, मेरा POV जस्ट चेंज हुआ है कि अभी हम वहाँ पे थे एज अ स्टूडेंट एंड नाउ आई एम सिटिंग हियर एज एन अलुमनाई की प्लेस हो गए। सो व्हाट आई कैन टेल यू इज द की इज पेशेंस, क्योंकि आफ्टर मीटिंग लाइक आफ्टर सिटिंग विद अलुमनाइज, आफ्टर मीटिंग यू नो आर मेंटर्स, आई वाज प्रिविलेज इनफ टू मीट आर मेंटर्स एट AccioJob, आई अंडरस्टैंड कि आई नो दैट वी आर वेटिंग, यू नो वी आर ईगरली वेटिंग टू गेट प्लेस, बट हमसे ज़्यादा वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि उनके स्टूडेंट्स प्लेस हो गए। तो द इंटायर की इज पेशेंस, जस्ट सिट एंड थिंक वॉट एंड वाई इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, बिकॉज हम लोग को स्किल्स तो मिल रहा है ये हमें पता है राइट, तो बस इट इज़ नॉट अबाउट दैट 100 रिजेक्शंस दैट वी आर गोइंग टू फेस, इट इज़ अबाउट दैट वन थिंग दैट इज गोइंग टू वर्क आउट, दैट वन कंपनी दैट इज गोइंग टू टेक अ शॉट एट अस, एंड देन एवरी थिंग इज गोइंग टू चेंज, एवरी स्ट्रगल इज गोइंग टू सीम वर्थ। मैं तो ये कहूँगा कि अपनी डेली यार प्रैक्टिस करते रहो और वर्क हार्ड करो, आपको मतलब कि सक्सेस मिलेगी मिलेगी, इसमें चिंता करने की कोई बात ही नहीं। बहुत अच्छा बोला यार तुम दोनों ने, और मेरी तरफ से एडवाइस ये रहेगी कि जब भी तुम ज्वाइन कर रहे हो कोई भी कोर्स, नॉट इवन AccioJob, कोई भी कर रहे हो एज अ स्टूडेंट, तुम्हारे अंदर क्योंकि ऑफकोर्स तुमने एक गोल डिसाइड किया कि यू वॉन्ट अ जॉब, तभी तुमने एक प्रोग्राम एनरोल किया। अभी तुमने जब एनरोल कर लिया राइट, तो ट्रस्ट करो सब पे, सारी चीज़ों पर, और इस गोल को कहीं साइड में रख दो, जॉब वाली बात को बिल्कुल दूर रख दो, कि वो अपने टाइम पे आएगी। अब तो यहाँ पर प्लेसमेंट टीम में बहुत सारी चीज़ें हैं राइट, तो आज तो बहुत आसान है, आज स्टूडेंट के लिए बहुत आसान है, जस्ट हैव टू एनरोल योरसेल्फ और तुम्हारे सामने पूरा पूल है,
जॉब प्लेटफॉर्म पे खेलते रहो। तो अभी मेन मेरे तरफ से मोटिवेशन तो मैं ही कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि यार ये डिसिप्लिन है, कि मोटिवेशन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में जीतने का एक साहस देगी। तो एक बार डिसिप्लिन आ गया और एक बार तुमने ये चीज़ डिसाइड कर ली कि यार जॉब तो ठीक है वो बाई प्रोडक्ट है, तुम्हें फोकस करना है कि तुम्हें सीखना क्या है, 6 महीने में कुछ सीख पाओगे क्या, 6 महीने में कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हो क्या, ये चीज़ें लर्निंग माइंडसेट रहेगा ना, तो लर्निंग माइंडसेट रहेगा तो इवेंचुअली जॉब तो यार आनी 1, 2, 3, 4, 5 पता नहीं कितनी मिलेगी। तो लर्निंग माइंडसेट है और सीखने पर ध्यान दे रहे हो तो बस हो गया तुम्हारा समझो। ओके सो दिस इज व्हाट, जैसे अभी आपने कहा राइट कि, और एक और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कॉम्पिटिशन एक दूसरे से नहीं है, हम लोग सबका लर्निंग कैपेबिलिटीज काफ़ी डिफरेंट है। जैसे मेरे को अब समझ में आया, जब हम थे जैसे मेरे को 9 मंथ्स लगा प्लेस होने में, मेरे बैच से मेरे से कोई 4 मंथ्स इंटू इट, 5 मंथ्स इंटू इट प्लेस हो जा रहे थे, तो तब मुझे लगता था कि यार इनका 5 महीने में हो गया, मेरा नहीं हो रहा है। बट द थिंग इज सबकी लर्निंग कैपेबिलिटी सेम नहीं है, वी नीड टू फाइंड आवर ओन जर्नी बिकॉज द फोकस शुड ऑलवेज बी टू अक्वायर स्किल्स। जब आप वो स्किल्स अक्वायर कर लेंगे, कंपनीज तो बैठी हायर करने के लिए, वो आ ही रहेंगे हायर करने के लिए, उनका मोटिव ही वही है, वो आपको रिजेक्ट करने थोड़ी आ रही है, ठीक है। तो क्योंकि सबकी लर्निंग कैपेबिलिटी सेम है, वी शुडंट कंपेयर कि उसका 5 महीने में हो गया, उसका 4 महीने में हो गया, क्योंकि इट्स नॉट द सेम। और आपस में हमारा कॉम्पिटिशन नहीं है, एक्यो के मेरे स्टूडेंट्स मेरे कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि हम लोग सब वहाँ पर है फॉर द सेम गोल, राइट। जैसे उसने कहा कि मतलब कि सबका लर्निंग का अलग अलग होता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ये मत देखो कि कौन कब प्लेस हो रहा है या मतलब कि इसकी प्लेसमेंट इतनी जल्दी क्यों लगी, आप बस अपना अपनी फोकस रखो, आप एक जर्नी बनाओ अपनी कि भाई मुझे इतना आवर्स डिवोट करना, आपकी अपने आप लग जाएगी। क्लोजिंग में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्यो रियली मेक्स इट हैपन फॉर यू, बिकॉज ऐसे IT में तो घुस नहीं था बट ऐसे कॉन्टेंट क्रिएशन भी ऐसे हमेशा से मेरा मन था, तो नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ एक्यो आई एम सिटिंग हियर मेकिंग कॉन्टेंट टू सी, दिस इज वाई यू शुड जॉइन एक्यो, बिकॉज इट इज गोइंग टू हैपन फॉर यू एज वेल। हो सकता है कि तुम यहाँ पर बैठे हो और इसके जगह पर तुम बोल रहे हो, राइट। सो एज वी बिलीव वी आर ट्रांसफॉर्मिंग करियर्स एंड दैट्स वॉट वी आर डूइंग एंड दैट्स वॉट वी बिलीव इन, राइट। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।